फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। इन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ईसीआईएल जूनियर टेक्नीशियन का कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट पर फॉर्म निकला हुआ है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसी आई हुई है वो आपकी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। और इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो 1/4 से लेकर के 11/4 अब फॉर्म रहेगा, और ये 2 बजे तक। और इन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं ली गई है, ये ऑन द प्योरली आईटीआई के मेरिट बेसिस पर हो रहा है, आईटीआई के मेरिट बेसिस पर हो रहा है। और इसके बाद से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो आपके मैक्सिमम एज रखे गए हैं स्टूडेंट्स के लिए वो 30 ईयर्स रखा गया। इसके बाद से आपको एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल के अनुसार से आपको एज रिलैक्सेशन यानी एज में आपको छूट मिल जाएगी। टोटल जो पोस्टें निकली हुई हैं वो 1625 निकली हुई हैं। और इन जो भी इस विभाग में काम करेगा उनकी जो पोस्टें निर्धारित की है भारत सरकार के द्वारा, जूनियर टेक्नीशियन कहा गया है, और इसमें 1625 टोटल पोस्टें निकली हुई हैं। और आपका 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन या फिटर ट्रेड, केवल 3 ट्रेड वाले ही स्टूडेंट मान्य होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इलेक्ट्रिशियन या फिटर ट्रेड। ये जो 1625 पोस्टें निकली गई है इसको 3 ट्रेडों के अंदर बांटा गया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये जो पोस्टें निकली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 326 पोस्ट, इस 326 पोस्ट को अलग अलग कास्ट वाइज में बांट दिया गया है। 220, 81, 130, 57, टोटल 814 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। इलेक्ट्रिशियन में आपका 74 पोस्ट, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 13, टोटल 184। फीटर ट्रेड के लिए 252, ओबीसी के लिए 169, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, एससी के लिए 100, एसटी के लिए 44, टोटल 627। अब इसमें आपको बताना चाहेंगे कि इसकी टोटल नोटिफिकेशन क्या है। टोटल नोटिफिकेशन जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 11 तारीख है, ये ऑनलाइन भरी जाएगी ECIL के वेबसाइट पर। इसमें मैं आपको डायरेक्टली इसके जो नोटिफिकेशन है वो भी दिखाना चाहूँगा। इसके नोटिफिकेशन देखिए, ये आपका जो फॉर्म आया हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आया हुआ है। ये पूरा उसका PDF है, PDF आप ECIL के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हुए हैं। इसमें आपको यहाँ पर जो पोस्ट के नीचे नेम ऑफ पोस्ट जो दिया है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी है वो आपको 1 साल के लिए है, और ये भारत सरकार के टर्म के अनुसार 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, जैसा भारत सरकार का प्रोजेक्ट होगा, ये 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपकी जो एज रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है। कास्ट वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भारत सरकार के अनुसार मिलेगा। इसमें आपका जो पेमेंट है फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग के दौरान 20,480 रुपया, सेकेंड ईयर में यही आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जो पेमेंट है वो 22,528 रुपया, थर्ड ईयर में 24,780 रुपया। और आपको भारत सरकार के नियमानुसार मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी PF, TA, DA और लीव यानी छुट्टियां आपको भारत सरकार के नियम के अनुसार मिलेंगी। अब ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कास्ट वाइज ये आपको डिवाइड किया गया हुआ है। पोस्ट क्वालिफिकेशंस में ओनली फॉर 2 ईयर्स कोर्स मांगा गया हुआ है आईटीआई से, और 3 ट्रेड वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन फिटर। और उसके बाद से आगे देखेंगे आपको एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार के अनुसार ओबीसी के लिए 3 साल, 10 साल जो है पीडब्ल्यूडी यानी जो विकलांग स्टूडेंट्स होते हैं, दिव्यांग होते हैं उनके लिए, और आपका जो 5 ईयर्स है वो आपके एससी एसटी के लिए किया गया है। और आपका नीचे ध्यान देंगे कि मेथड ऑफ सिलेक्शंस क्या है। ओनली प्योरली ये आईटीआई में जो आपका परसेंटेज आया हुआ है, क्लास टेंथ में नहीं, आईटीआई में जो परसेंटेज आया हुआ है उस आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। और जितनी पोस्टें जिस कास्ट वाइज जैसे भी इसमें बांटा गया हुआ है उसमें आपका
चार गुना यानी किसी में यदि 20 पोस्ट है तो 80 मेरिट लिस्ट निकलेगा। उस 80 में से जो प्योरली जिनके मार्कशीट डॉक्यूमेंटेशंस और भी जो प्रूफ होंगे एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे वो वैलिड पाए जाने पर केवल जो भी 4:4 में है 80 लड़के हुए और 20 लड़कों का सिलेक्शन है तो उन 20 लड़कों का सिलेक्शन होगा। यदि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे वाले वेटिंग लिस्ट को चांस दिया जाएगा। और आप ECIL की वेबसाइट देखते रहिएगा, 11 तारीख बीतने के बाद वो जो भी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपको वहाँ की विभाग ईमेल के द्वारा आपको सूचित करेगी। ईमेल से जो भी ईमेल आप इसमें डालिएगा उसे आप टच में रहिएगा। उसके बाद से कैसे अप्लाई करना, यही साइट है, देखिए ध्यान से, ये साइट है आपकी ECIL.co.in और आपका आज कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। 11/4 लास्ट डेट है, मात्र 11 दिन के लिए एप्लीकेशन निकला हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, फोटो है, ये आप ध्यानपूर्वक भरिएगा। और आपका यहाँ पर डेट दिया हुआ है और ये सब। धन्यवाद, आप इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा।